यार आर्मी में दांतों का मेडिकल कैसे होता है कि पॉइंट नहीं है, लेकिन कुछ गलतियां आपके दांतों की ऐसी हैं जो अपनी तरफ से गलत करते हैं और दांतों में पॉइंट मिल जाता है। अब हम डीपली पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे, नहीं है तो आपको पॉइंट मिलने के चांस है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, नमस्कार, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। दोस्तों बहुत सारे बंदों के कमेंट्स थे कि सर आर्मी में दांतों का मेडिकल कैसे होता है। बहुत सारे बंदे पिछली वैकेंसी में दांतों के मेडिकल से अनफिट होते। आज हम आपको दांतों के पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि दांतों में कौन कौन से पॉइंट बनते हैं और कैसे बंदा बाहर हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि दांतों का बंदों का पॉइंट नहीं होता। डॉक्टर की भाषा में अगर समझें तो डॉक्टर का मतलब कि पॉइंट नहीं है, लेकिन कुछ गलतियां आपके दांतों की ऐसी हैं जो अपनी तरफ से गलत करते हैं और दांतों में पॉइंट मिल जाता है। आइए सबसे पहले वो गलती बताएंगे कि दांतों पे पॉइंट ना होते हुए भी आपको पॉइंट कैसे मिलता है। सबसे पहले मुंह खोल। सबसे पहले दांतों में अगर आपका पॉइंट नहीं है, पॉइंटों की बाद में बात करेंगे, लेकिन उन पॉइंटों पे बात करेंगे जिन पे पॉइंट नहीं भी है और आपको पॉइंट मिलता है। सबसे पहले आपके मुंह से दुर्गंध आना, पहला पॉइंट। दूसरा, आपके दांतों में ऐसे कर चिपका दांत को, आपके दांतों में गंदापन यानी पीलापन, जो आप खैनी, पान मसाला, टोबैको जो खाते हैं उसका जो यहाँ पे काढ़ा लग जाता है पूरे दांतों में, उसका फालतू का पॉइंट। अगर आप लोग खाते हो ये चीजें तो आज से ही बंद कर दो, क्योंकि इसमें आपको मेडिकल अनफिट होना ही है और हो जाओगे। ये तो ये बात होगी। अब हम डीपली पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे कि आपका दांतों में कौन कौन सा पॉइंट बनता है। सबसे पहले मुंह खोल। सबसे पहला पॉइंट बनता है कि आपका जो मुंह के अंदर की ये जो ढाड़ है, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो ढाड़ है, अगर आपकी ढाड़ बिल्कुल डिसमिस है, कम से कम दो अगर डिसमिस है, ढाड़ नहीं है, तो आपको पॉइंट मिलने के चांस है। दूसरा पॉइंट, अगर आपके दांत बहुत ज्यादा टेढ़े मेढ़े हैं, मतलब इस तरह, खोल पूरा मुंह खोल, इस तरह एक दांत यहां पर है, एक दांत अंदर है, ठीक, अगर आप कई दांत, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक या दो दांत हैं तो आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, लेकिन एक इधर, एक इधर, एक इधर ऐसे बाहर से निकले हुए हैं तो आपको पॉइंट मिलने के चांस है, ठीक। बहुत सारे बंदों के कमेंट्स थे, उस कमेंट का मैं जवाब दे रहा हूं कि सर हमारे तीन दांत टूटे हुए हैं, एक दांत टूटा हुआ है, दो दांत टूटे हुए हैं, सर मैं मेडिकल फिट हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा। एक चीज ऐसे करो, अगर आपका एक दांत यहाँ का टूटा है, मैं इन दांतों की बात कर रहा हूँ, दाढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर एक इधर का टूटा है, एक इधर का टूटा है, तो आपको पॉइंट मिलने के चांस नहीं है। अगर आपके दो दांत यहाँ के टूटे हैं, तीन यहाँ के टूटे हैं, दो ऊपर के टूटे हैं, यानी अगर पाँच से छः दांत आपके टूटे हैं, तो आपको मेडिकल में पॉइंट मिलने के चांस है। और एक चीज, अगला पॉइंट खोलो मुंह, अगर आपके दांतों में पायरिया जैसी कोई बीमारी है जिससे आपके दांतों में मुंह से दुर्गंध आती है, आपके दांतों में सड़न पैदा है यानी मवाद जैसी कोई चीज निकलती है, हर एक दांत में दर्द है, दर्द का मतलब कि वो हिलता है, वहां से गंदगी निकलती है, तो आपको पॉइंट मिलने के चांसेस हैं। इतने पॉइंटों पर आप गौर करिए। और एक चीज, कभी भी वो बंदे मत घबराएं जिनका एक या दो दांत कम है। अगर आपका 32 में 30 दांत है, 28 दांत है, 29 दांत है, तो चल जाएगा। अगर आपका 24, 25, 23, 26 दांत है, तो मेडिकल आप अनफिट हो सकते हैं, वो चांसेज हैं। तो सबसे पहले एक सजेशन देना चाहूँगा, ये तो पॉइंट की बात हो गई कि इन पॉइंटों पे आपको मेडिकल में पॉइंट मिल सकता है। आप सजेशन देने की, सबसे पहले जब भी आप कभी जाएंगे मेडिकल के लिए, तो आपको अपने दांतों को बिल्कुल क्लीन करा देना है, ठीक, आपके मुंह से बिल्कुल दुर्गंध नहीं आनी चाहिए, आपका दांत बिल्कुल चमचमाता नजर आना चाहिए। अगर आप किसी खैनी, पान मसाला को भी यूज करते हैं, तो आप मेडिकल में जाके दांत वाले डॉक्टर से अपने दांतों को बिल्कुल क्लीन करा दें। और एक चीज,
कभी भी उस अपने हाथ से क्लीन मत करिए, ब्लड वगैरह ना निकले। तो ये सारी सावधानियां आपको बरतनी है। मैं गारंटी देता हूं कि आप दांतों के मेडिकल में अनफिट नहीं होंगे। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय हिंद।